नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई को शुरू हुआ था। हर साल यह महीना करीब 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास लगा होने की वजह से यह 59 दिनों का है, जिसका समापन 31 अगस्त को होगा। लिहाजा इस बार 8 सोमवार और 2 सावन शिवरात्रि भी पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि ऐसा दुर्लभ संयोग 19 साल बाद इस सावन की शुक्ला शिवरात्रि पर आज है। शास्त्रों के मुताबिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद बह रहे जल उसके जल को शरीर के तीन खास हिस्सों पर लगाने से कुंडली में राहु केतु और शनि दोष दूर हो जाता है और बिगड़ रहे काम अपने आप बनने लग जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से अंग हैं जिन पर शिवलिंग से बहते हुए जल को लगाना शुभ माना जाता है। शिव पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार आज शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद उस जल को उंगलियों में भर कर अपने माथे कंठ और माथे पर लगाएं। ये अंग अध्यात्म और आस्था के प्रतीक हैं। कहते हैं कि शरीर के इन तीन अंगों पर जल अर्पित करने से कुंडली में सभी ग्रह नवग्रह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही आर्थिक लाभ और समाज में यश व कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सिर की चोटी और मुख पर राहु का असर होता है, जबकि कंठ पर केतु का प्रभाव होता है। इसी तरह दांत और जीभ पर बुध का असर माना जाता है। आंखों और पूंछ पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं मस्तक पर ग्रहों के राजे सूर्य का असर होता है। इन जगहों पर शिवलिंग का जल लगाने से वो सब शांत हो जाते हैं और तन मन से शीतलता का एहसास होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।